आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने वाला है। तीसरा सवाल, कहा जाता है ना कि राम मंदिर से रोजगार थोड़ी ना मिल रहा है, अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, मंदिर 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 मंदिर, पूरा देश मंदिर पर अटक गया। बहुत से लोगों ने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया था कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राम मंदिर से देश में बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी, याद है, लोगों को इलाज थोड़ी ना मिल जाएगा। जैसे जब तक बाबरी थी तब तक रोजगार ही रोजगार था, जब तक बाबरी थी तब तक तो इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड चल रहा था। ऐसे लोगों के लिए आज की बड़ी खबर यह है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश की अर्थव्यवस्था को 1,00,000 करोड़ का फायदा होगा। कितना? 1,00,000 करोड़। अकेले दिल्ली को ही ना 20,000 करोड़ का फायदा होगा। ये आस्था का अर्थशास्त्र। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जितनी तैयारी अयोध्या में हो रही है ना, वैसी तैयारी देश के कई शहरों में हो रही है। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनुमान है कि देश भर में 30,000 से ज्यादा आयोजन होंगे, जिनमें बाजारों में शोभा यात्राएं भी, श्रीराम पैदल यात्रा, श्रीराम रैली, श्रीराम फेरी, राम चौकी जैसे कई कार्यक्रम। इसके लिए बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई बजाने वाले कलाकारों को अगले कई दिनों के लिए बुक कर लिया गया है। शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों और कलाकारों को भी बड़ा काम मिल गया है। देश भर में मिट्टी एवं अन्य वस्तुओं से बने करोड़ों के दीपक की मांग है। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी करने वाले, फूलों की सजावट आदि की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। देखिए, जिस तरह से श्रीराम मंदिर के मॉडल की मांग से तेजी से वृद्धि हुई है ना अर्थव्यवस्था को लेकर, उसको देखते हुए देश भर में 5 करोड़ से अधिक मॉडल की बिक्री होने की संभावना है। इसके अलावा सजावट के सामान जैसे श्रीराम के नाम और उनकी तस्वीर वाले झंडे, पताका, पटके, टोपी, टी शर्ट, राम मंदिर की आकृति के छपे हुए कुर्ते आदि की बाजार में जबरदस्त मांग है। और इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब देखा अयोध्या के राम मंदिर से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत मिलने जा रही है। CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT का अनुमान है कि इस समारोह पर देश में 1,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पहले अनुमान 50,000 करोड़ का था, लेकिन जिस तरह पूरे देश में राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है, उसके बाद CAIT ने अपने अनुमान को संशोधित कर दिया, 1,00,000 करोड़। बताया जाता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर व्यापार का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा होगा, हो सकता है। यह अनुमान अलग अलग राज्यों के 30 शहरों में स्थित ट्रेड एसोसिएशन से आए फीडबैक के आधार पर लिया गया। CAIT का कहना है कि 20,000 करोड़ का कारोबार अकेले दिल्ली में होने की संभावना है। सुनिए आप। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से पूरे देश के व्यापार में और व्यापारियों में बहुत उत्साह और उमंग है, जिसको देखते हुए अब ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर की वजह से लगभग देश में 1,00,000 करोड़ का कारोबार पूरी तरीके से होने वाला है। आगामी 7 दिनों के अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा इवेंट पूरे देश में होने वाले हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा श्री राम मंदिर के मॉडल, जिनकी बहुत मांग है पूरे देश में, वो पूरी होने वाली है। मतलब सजेगा राम दरबार, मिलेगा रोजगार, 1,00,000 करोड़ का कारोबार। सजेगा राम दरबार, 1,00,000 करोड़ का कारोबार, मिलेगा रोजगार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देश में जो कारोबार हो रहा है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप और IPL जैसे खेल के बड़े बड़े आयोजनों से भी ज्यादा है। अभी देखिए ना, एग्जाम्पल लीजिए, पिछले साल 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ, 22,000 करोड़। ठीक, मैंने अभी कितने की बात करी, 1,00,000 करोड़ की, उसको ध्यान में रखिएगा। 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 22,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसी तरह IPL के आयोजन से देश में जो कुल कारोबार हुआ वो 92,500 यानी कि 92,000 करोड़ का था। और ये वो आयोजन है जिसका प्रमोशन देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, लेकिन प्रभु राम से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है भाई? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कुछ लोग उसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। यही आस्था का अर्थशास्त्र है। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि मंदिर बना रहे हैं, अस्पताल बनाइए, मंदिर बना रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऑप्शंस नहीं, इकोनॉमी का क्या होगा? और सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आर्थिक इतिहासकार अंगस मेडिसन की किताब दी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलियन मिलेनियल पर्सपेक्टिव, दी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव के मुताबिक मुस्लिम आक्रमण से पहले ना
भारत विश्व की सबसे धनी देश था। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया था। पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। मुस्लिम आक्रमण से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आक्रांताओं के हमले से। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अकेले 33% थी। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद बिन कासिम और बाबर जैसे लुटेरे ग्लोरीफाइड डकैतों ने भारत को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों के शिखर ढहाए, अर्थव्यवस्था ढहने लगी। और स्वतंत्रता के बाद दुनिया के सबसे धनी देश की स्थिति यह थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 3% के भी नीचे गिर गई। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे भारत में मंदिरों के शिखर गिरे, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगी। और जैसे जैसे भारत में सनातन का सूर्योदय या सनातन के शक्तिपीठ फिर अपने वैभव में लौटे, भारत का आर्थिक शिखर फिर उठ रहा है। अब कहा जा रहा है ना कि तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हम लोग संभवता बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आपको नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर जारी किए गए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। अब ये भी संयोग हो सकता है कि इधर राम मंदिर का निर्माण 6 दिन बाकी, उधर दूसरे लगातार आंकड़े आ रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है। आपको पता लगेगा कि पिछले 9 साल के दौरान ना भारत में गरीबी में कमी आई है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में 2013-14 में गरीबों की संख्या जो 29.17% के करीब थी ना, वो 2022-23 में घटकर 11.5% के पास आ गई है। 29 से 11.5। इसी तरह पिछले 9 वर्षों के दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पिछले 9 वर्षों में करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कुल मिलाकर मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं और देश में तेजी से समृद्ध लोगों की संख्या बढ़ी है। और सुनिए, वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स ने द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की। क्या कहा गया इसमें, सुनिए आप हैरान हो जाएंगे। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे राम मंदिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है, इधर राम मंदिर वापस अपने वैभव में लौट रहा है, उधर ऐसी खबरें। अगले 4 सालों में यानी कि 2027 तक समृद्ध भारत की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी। मतलब हर साल करीब 8.5 लाख रुपए कमाने वाले भारतीयों की संख्या इस समय देश में करीब 6 करोड़ है। 2027 तक ये करीब 67% बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। 6 करोड़ से 10 करोड़। अब आप देखिए राम मंदिर से अयोध्या की तस्वीरें किस तरह से बदलने लगी है। अयोध्या होटल इंडस्ट्री का एक नया केंद्र बनकर उभर रही है। हम लोग यहां पर हैं, हम लगातार देख रहे हैं। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान अयोध्या में पर्यटन के करीब 18,000 करोड़ रुपए के 102 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय अयोध्या में पर्यटन से संबंधित 106 परियोजनाएं पूरी होने वाली है। इनमें से 46 में MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 80 गैर MOU हैं। इन सभी 126 परियोजनाओं को की कुल लागत करीब 4,000 करोड़ के आसपास है। आस्था का अर्थशास्त्र। अयोध्या में करीब 50 फेमस होटल कंपनियों ने बड़ी परियोजना में निवेश किया। इसमें ताज, मैरियट, ओबराय, ट्राइडेंट, तमाम रेडिसन, तमाम बड़े ग्रुप्स हैं। यानी अयोध्या में निवेश काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये खबर आई है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी खुद अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए में प्लॉट खरीद लिया है। तो यानी एक तरफ अयोध्या जो है अर्थव्यवस्था का स्वागत कर रही है, दूसरी ओर अयोध्या में कांग्रेस नेताओं का कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है ना, ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आज यहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे, पार्टी का झंडा लेकर जा रहे थे, अंदर विवाद हो गया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।